तो बड़ी खबर, रूस ने एक बार फिर किया कीव पर बड़ा अटैक। रात के वक्त केमिकाजे ड्रोन से हमले का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन में पहले भी रूस ने अटैक किया है और इस बार केमिकाजे से अटैक किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, रात के वक्त ये हमला किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की आग भड़कती जा रही है। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर विध्वंस की आग बरसाई है। रूस ने एक बार फिर कीव पर बड़ा हमला किया है। रूस ने यूक्रेन के 40 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल की बरसात की है। रूस ने रात के वक्त केमिकेज ड्रोन से हमले का दावा किया। रूस ने पहले भी यूक्रेन पर केमिकेज से अटैक किया है। इस बीच यूक्रेनी लैंडमाइंस की चपेट में रूसी मिलिट्री वाहन के आने के बाद रूसी MTLB के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन ने रूस की फौज के रास्ते में TM-62 माइंस बिछा रखी हैं। रूसी मिलिट्री वाहन के ध्वस्त होने का वीडियो भी सामने आया है। उधर विनित्सिया इलाके में यूक्रेनी MiG-29 का ऑपरेशन जारी है। यूक्रेनी फाइटर जेट ने एयर टू एयर में ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मिसाइल दागी, ईरानी शहीद 136 ड्रोन के अंदेशे के बाद मिसाइल दागी गई है। रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल का आरोप है। इस बीच पुतिन की धमकी को देखते हुए नेटो ने यूरोप के एयर डिफेंस को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। ब्रसेल्स में हुई नेटो देशों की बैठक के बाद यूक्रेन को सैन्य मदद बढ़ाने का भी फैसला हुआ। अगली बड़ी खबर भी रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। क्रीमिया ब्रिज पर पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। क्रीमिया ब्रिज पर पहुंचने वाला पहला टीवी न्यूज चैनल है TV9 भारतवर्ष। 8 अक्टूबर को इसी पुल पर विस्फोट हुआ था। रूस का दावा कि ट्रक में लाया गया था विस्फोटक, जिसको वहां पर उड़ा दिया गया। पुल को उड़ाने के लिए ट्रक में विस्फोटक भरकर लाया गया था, रूस ये दावा कर रहा है। इस वक्त हम अपने दुनिया भर के दर्शकों को दिखा रहे हैं, कैमरे पर देखिए वो ब्रिज, वो ब्रिज जहां पर 4 दिन पहले जोरदार धमाका हुआ था, वो ब्रिज जिस पर धमाके के बाद रूस ने बदला लेते हुए यूक्रेन के 12 शहरों पर गोले दागे थे, मिसाइल चलाई थी जिसमें 30 से अधिक लोगों की जाने गई थी। ये वो ब्रिज है जिसको लेकर हमेशा से रूस, अमेरिका और पूरी दुनिया में तनाव इस कदर है कि लगता है कि पता नहीं कब प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु बम चला देंगे। उस ब्रिज को अभी आप TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देख रहे हैं। TV9 की टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है। ब्रिज के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है जहाँ से होकर ट्रेन गुजरती है और दूसरा हिस्सा है जहाँ से होकर रोड है, जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। और जिस समय दुनिया ने देखा था कि इस ब्रिज पर जब धमाका हुआ और तेल के टैंकर में आग लगे थे, तो उस समय जो ट्रेन गुजरने वाली वाला जो हिस्सा था वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसे रिपेयर कर दिया गया होगा क्योंकि मेरी ट्रेन आज सुबह में यहीं पर से होकर गुजरी। बहुत कुछ बदल गया है क्रीमिया में भी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।